गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन योर मैथमेटिक क्लास। वी विल कंटिन्यू यूनिट 5, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मीन्स फायदा, लॉस मीन्स नुकसान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। What is the cost price and what is the selling price? Cost price, money paid by shopkeeper to buy anything. Cost price किसे बोलते हैं? Shopkeeper जो भी चीज खरीद के लाता है उसे क्या बोलते हैं? Cost price. Selling price, the rate at which shopkeeper sell the things. शॉपकीपर कोई भी चीज़ खरीद के लाता है, या तो उसे वो फायदे में बेचता है या कई बार उसे नुकसान में भी बेचना पड़ता है। तो जिस रेट पर वो बेचता है उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। द रेट एट विच शॉपकीपर सेल द थिंग। सेल मीन्स बेचना, तो सेल से ही क्या बना है? सेलिंग प्राइस। यू हैव डन इन फिफ्थ स्टैंडर्ड ऑल्सो। नाउ प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू, प्रॉफिट और गेन एक ही बात है। प्रॉफिट कब होता है? जब हम कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें। तो इस केस में प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। तो प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एंड लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, ऊपर हमने सिंपल प्रॉफिट और लॉस किया, लेकिन इस चैप्टर में अब हम क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ऊपर प्रॉफिट लेंगे, डिवाइड बाय सीपी, मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले में हम कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं लेते। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। Now we will do the exercise worksheet 3. Find gain or loss percent. इसमें हमने क्या find करना है? Gain and loss percent. We have given cost price and we have given selling price. There are 4 part. We will do one by one. First part, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 900, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 1080, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1080 माइनस 900 इज इक्वल टू, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180। प्रॉफिट 180, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, 2020 कैंसिल, 900 और 100 की 20 कैंसिल। नाउ 9 टू जा 18, 0 की 0 लग जाएगी, 20%। नाउ बी पार्ट, कॉस्ट प्राइस 2400, सेलिंग प्राइस 2250, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। यहाँ पे हमने सीपी पहले लिया है, एसपी बाद में लिया है, लेकिन प्रॉफिट में क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है, लेकिन लॉस में क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। लॉस कब होता है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस क्या हो? कम। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी 2400 माइनस 2250, आंसर 150। लॉस परसेंट
लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस 150, सीपी 2400 मल्टीप्लाई 100, 2400 के पीछे जो 20 एंड 20 कैंसिल, 24 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 8 जा 24, 150 को 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, 50 ऊपर 50 आ गया, नीचे 8 आ गया, फिर हमने इसको दोबारा से 2 पे डिवाइड किया, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, और 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 25 बाय 4, 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1, 6 क्वेश्चन है, रिमाइंडर 1 है, और 4 हमारा डिवाइजर था, 6 1 बाय 4%। सी पार्ट कॉस्ट प्राइस 750, सेलिंग प्राइस 850, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, 850 माइनस 750, 100, प्रॉफिट परसेंट 100 डिवाइड बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 100, 00 कैंसिल, 25 का टेबल पे काट रही हूँ मैं, 100 को 25 का टेबल पे भी काट सकते हो, 5 से भी कट कर सकते हो आप, अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, 40 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 13 1 बाई 3। डी पार्ट कॉस्ट प्राइस 10,200, सेलिंग प्राइस 8,650, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, 10,200 माइनस 8,670 माइनस करने से आ रहा है 1,530, लॉस परसेंट 1,530 डिवाइड बाय 10,200 मल्टीप्लाई बाय 2020 कैंसिल, हमने 3 से डिवाइड किया पहले, 1,530 को 3 से डिवाइड किया, 102 को 3 से डिवाइड किया, 510 आ रहा है ऊपर, नीचे आ रहा है 34, अब हमें 17 के टेबल पे डिवाइड कर रहे हैं, 17 2 जा 34, 17 3 जा 3 500, 17 3 जा 50, 30 को 2 से डिवाइड किया 15। सम नंबर 2, ए शॉपकीपर बाय 30 चॉकलेट बार एट ₹15 ईच एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम फॉर ₹525, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ही मेड। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट ₹15, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चॉकलेट 30 मल्टीप्लाई 15, 450, कॉस्ट प्राइस 450, सेलिंग प्राइस 525, प्रॉफिट इज इक्वल टू 525 माइनस 450, प्रॉफिट इज इक्वल टू 75, प्रॉफिट परसेंट 75 डिवाइड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 100, 00 कैंसिल, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, आंसर 50 बाय 3, 50 को 3 से डिवाइड करेंगे 16, रिमाइंडर 2, 16 2 बाय 3%। सम नंबर 4, मिस्टर गुप्ता परचेज ए हाउस फॉर ₹2,50,000, स्पेंड 50,000 खर्च की उसने रिपेयरिंग में, एंड सेल ऑन 4 लाख में बेच दिया, फाइंड गेन परसेंट। कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस इज इक्वल टू ₹2,50,000,
He spends on repairs 50,000. Total cost price 0000 5510. Carry 1,300,000. Total cost price 300,000. Now selling price 4,00,000. Selling price is greater than cost price. Profit 4,00,000 minus 3,00,000 1,00,000 profit 1,00,000. Profit percent 100. 1,00,000 / cost, total cost price 3,00,000. 3,00,000 × 100. All zero cancel. Answer 100/3. 100 को 3 से डिवाइड करेंगे 33 क्वेश्चन, रिमाइंडर 1. आंसर 33 1/3%. Thank you.